बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिन इलाकों में वार डिक्लेयर होता है इतने लोग वहाँ भी नहीं मरते, और आप आज की जदीद दुनिया में आप देखें कि जंगें जो माजी के मुकाबले में वो कम इतनी जा रही हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पर कोई इस तरह का वार भी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन सालाना 8,000 लोग इन शाहराहों की नज़र हो जाते हैं, जिसका मतलब 8,000 फैमिलियाँ। लेकिन इसमें जो हमारे मकतूलीन हैं, जिनको शहीद तो मैं नहीं कहूँगा, ये मकतूलीन हैं, इनमें आप देखें जज भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, खिलाड़ी भी शामिल हैं, आपके प्रोफेसर भी शामिल हैं, मतलब पूरे आपका जो ज़िंदगी के तमाम शोबाए फ़िक्र के लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान मारे जा रहे हैं, इंसान जो है इसके नज़र हो रहे हैं, और इसकी बुनियादी सबब जो है वो लाकानूनीत है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है। आप अगर सऊदी अरब जाएँ, आप अगर मशरक़ वस्ती जाएँ, दुबई जाएँ, वहाँ सवाल पैदा नहीं होता है किस तरह के हादसात का कोई हो, क्योंकि उन्होंने अपना कानून इस कदर सख्त बनाया है कि गुंजाइश नहीं होती है, चूँकि यहाँ पर कानून नहीं है। कल कोई गिरफ़्तार होता है, अगले रोज़ रिहा हो जाता है, चाहे वो पैसे देता है, चाहे जो कुछ करता है। दूसरी बात यह है कि हमारी सियासी पार्टियों ने जो इख्तदार में बैठे हैं उन सब ने इस पर आंखें बंद कर ली हैं। हमारे नाम ने दानश्वर साफ़ी और सारे लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हैरानगी की बात है कि आज चार नौजवान, चार बच्चे जिनके खेलने पढ़ने के दिन हैं, उन्होंने इतना बड़ा बोझ उठाया है। क्या हुकूमत को ये नज़र नहीं आ रहा है? क्या NHA को नज़र नहीं आ रहा है? क्या हमारी पार्टियों को नज़र नहीं आ रहा है? यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट के नाम से अरबों रुपए की बातें की जा रही हैं, हम पर एहसान किए जा रहे हैं, तो क्या इस अगर आप लाइन को चार लाइनें नहीं कर सकते, दो लाइनें तो करें। और मैं समझता हूँ कि जब तक कानून नहीं होगा, लाकानूनियत हो, लोग मरते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि निज़ाम कोई नहीं है, लोग मरते हैं मरते रहें, लेकिन मसला हमारा है यहाँ के बसने लग, चाहे बलोच हैं, पश्तून हैं, हज़ारा हैं, सेटलर हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन, जो भी है, ये हम सबका दर्द है, सबका मुश्तरक मसला है। और हमें इसके लिए न सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बल्कि एक मेकानिज़म कि यहाँ फंड्स मुख्तस किए जाएँ, यहाँ पर जो है एमरजेंसी सेंटर बनाए जाएँ, हॉस्पिटल उसको फंक्शन किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून उसको सख्त से सख्त, जब तक आप मिसाली सज़ा नहीं देंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। और आज हम बात नहीं करेंगे, कल शायद हमारे लिए भी कोई बात करने नहीं वाला हो। तो मैं समझता हूँ निज़ाम इसमें शरीक है, NHA शरीक है, बिलवास्ता तौर पर हमारी पार्टियाँ भी शामिल हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है, वो सब इस जुर्म में शरीक है।
आलमी योम हादसा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में और इस सूबे में खसूसन आलमी दिन के मौके पर ना कोई तकारीब का प्रोग्राम है ना कोई एहतजाज ना रैली है। आज भी ये एक बलोचिस्तान यूथ एंड सिविल सोसाइटी की जानिब से एक वाक का इनेकाद किया गया जो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से होता हुआ मुख्तलिफ शाहराओं से होता हुआ फिर इस क्लब पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमारे यहाँ पर एहतजाज का मकसद, रैली का मकसद कि बलोचिस्तान जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है मादनियात के हिसाब से, साइल वसाइल के हिसाब से या रिकॉर्ड एक या दीगर प्रोजेक्ट के हवाले से, या आप इतने मादनियात के बावजूद पूरे बलूचिस्तान में ना कोई मोटरवे हैं और ना ही डबल रोड से। लगभग सालाना मोटरवे की ज़राए के मुताबिक के सालाना 8000 लोग हादसा की नज़र हो जाते हैं, यानी हम समझे कि ना धमाकों में ना किसी और चीज़ में ना दहशतगर्दी में इतने लोग जाम बाग नहीं होते। हुकूमत की बेबसी की वजह से फिर ना उनको एमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारे सेमिनार का मकसद ये कि हम आला हकम और वहाँ पर बैठे लोगों को ये पैगाम दे रहे कि खुदारा बलूचिस्तान के जो खूनी शारा है पे हज़ारों लोग अब तक ट्रैफिक हादसा का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से ना कोई उनके पैकेज दिया जा रहा है ना इमदाद दिया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि इन्हें फिलफौर डबल रोड बनाया जाए, मोटरवे की तरफ पर बनाया जाए और यहाँ के लोगों को जो इतने धमाकों में शहीद नहीं होते हैं वो कम अज़ कम इन हादसा से बचे। आज का दिन हमने सेमिनार इनका किया यहाँ पे और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से वाक करके क्वेटा प्रेस क्लब आए। ये आज का दिन ट्रैफिक मुतासरीन के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो शोदा के लिए, तो आज उनकी याद में एक ताज़ीद कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। जो शोदा है बलोचिस्तान में जो ट्रैफिक हादसा में शहीद हुए, पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, हम उनके साथ जगजहती करना चाहते हैं कि हम भी बलोचिस्तान के जो शाहराओं पर काफ़ी लोग हमारे शहीद हुए और अब जितने भी हमारे शहीद हैं उनके लवाइकी भी यहाँ पर मौजूद है हमारे सेमिनार में। तो बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। अब 2016 से उन लोगों का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया और वो जो हमारे साथ मजाक कर हमारा जो मजाक उड़ा रहे हमारे लोगों के हमारे शोधाओं का जो मजाक उड़ा रहे वो जून में इन लोगों ने अभी जो 2020 के जून में इन लोगों ने फिजिबिलिटी अपना बजट में इन लोगों ने रखा था 2019 में, फिर 2020 में इन लोगों ने बजट से निकाल के फिर इन लोगों ने प्राइवेट कंपनी को जुलाई में दिया कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू हम लोग ये प्राइवेट पार्टनरशिप जो कंपनी है इनके उसके तौर पर हम चमन टू कराची शाहरा इनको इसको डबल किया जाएगा, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में इनका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगा अभी हम एक साल इंतज़ार करें 6-7 हज़ार लाशें और उठाएं कि इनका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आए तब तक, तो इनको अल्लाह हिदायत करे हुकूमत को कि वो संजीदगी से इस मसले को उठाए। हमारे लोग काफ़ी शहीद हो रहे हैं हमारे और जो लोग मुतासर हो रहे हैं माजूर हो रहे हैं मैं उनका भी डिटेल हमारे पास रखा हुआ है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो वाहिद कफील थे अपने घर के वो भी शहीद हुए। आज एक बच्ची जहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई उसकी दो बहनें और एक उनका वालिद भी शहीद हुआ था, तो वो बच्ची रो रही थी कि पिछले 5 दिनों से वो मुझे रिक्वेस्ट करी थी मैं आऊँगी, तो मैंने कहा कि मेरी बहन आप जब कोई जो लेडीज़ आएंगी तो आप बिल्कुल आ जाए, मैं आपको नहीं रोक सकता, ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए रखा गया है। तो वो बच्ची वहाँ पे बैठी हुई है अभी, आप उनको देखें उनके जो उनका जो छोटा भाई था उसके पाँव में जो चप्पल वो आप बस आप देख नहीं सकते कि कितनी गुर्बत में वो गुजर रहे हैं उनके जो हाल है। तो यही मैं कहूँगा हुकूमत से कि जो मुतासर हुए हैं जो लोग मुतासर उनको खुदा रहा आप पूछे कि उनका क्या हाल है, उनके जो घर के हालात है वो किस तरह गुजर रहे हैं। मैं आपको मेरे पास पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने जो डेटा निकाला हुआ है बलोचिस्तान यूथ एंड सिविल सोसाइटी की तरफ से हमारी जो टीम वर्क है हमने टीम वर्क किया है तो एक्सीडेंट्स 5451 एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पे बलोचिस्तान की शाहराओं पर और 774 लोग शहीद हुए हैं और 8275 लोग ज़ख्मी हुए, इनमें वो भी ज़ख्मी है जो मोटरसाइकिल से गिर के ज़ख्मी हुए हैं और वो भी ज़ख्मी है जिनके हाथ पांव टूटे हुए और वो कोमा भी है, इस तरह के ज़ख्मी जो सारे ज़ख्मी हुए शुमार है। तो हुकूमत जो मेरे हमारे जो बलोचिस्तान यूथ एंड सिविल सोसाइटी के लड़के बलोचिस्तान जो BMC गए थे वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मरीज़ इनको मिले थे, जो एक लड़का मिला था पिछले 6 महीनों से कोमा में BMC में पड़ा हुआ है, ठीक कोई भी पुरसान याल नहीं उसका, हुकूमत वहाँ पर बस इनको बेड अलाट करके छोड़ दिया है और उसके भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें खुदा रहा हमें कोई इमदाद करे कि हमारे जो भाई है वो जहाँ पे पड़ा हुआ है इसको कोई इलाज के लिए गवर्नमेंट कोई संजीदा इकदाम करे इलाज के लिए।